हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आज का वीडियो है रियल स्टेट के ऊपर है, जिसको मैंने एक केस स्टडी का नाम दिया है। केस स्टडी क्या है, ये दो मैटर हैं अलग अलग, आगे जाके इनमें प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आने के बाद इन पर पुलिस केस बनता था, हम कैसे इससे बचे वो उसके साथ आपके साथ मैं आज बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये मछीवाड़ा की जमीन लिखी है, ये गांव था बुलेवाड़। तो हमने 2005 में ये जमीन ली थी, 2005 में जमीन ली किसी अशोक कुमार नाम के आदमी से, ए से, और ये हमने अपने नाम पे एग्रीमेंट किया, ये मैं हूँ, और मैंने आगे इसको सी को भेज दी, ये कोई फिलौर का आदमी था। तो रजिस्ट्री इस आदमी ने सीधी इसके नाम पर करवानी थी, तो इसने आगे फिर भेज दी किसी डी को। अब ये आदमी आ रहा है कि मेरी ये रजिस्ट्री डी को करवा दो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम डी को करवा देते हैं, इसके नाम पे डी के नाम पे रजिस्ट्री करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये आई कि हमने ये ए को बोल के कि ये डी आदमी है, इसके नाम पे हम रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे साथ ये इस आदमी का एग्रीमेंट है, ये भी लिख के दे दे और ये भी लिख के दे दे। अब ये आदमी जो सी था, फिलौर का आदमी था राजकुमार, ये अड़ गया कि मैं अपने साइन नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैंने कहा भी जय तुम्हारे बंदे के नाम पे रजिस्ट्री होनी है, तुमने ज़मीन बेची है, यदि तुम रजिस्ट्री पे साइन नहीं करोगे, गवाही के तौर पर साइन नहीं करोगे, तो मैं आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। तो चलो किसी तरीके से करके हमने प्रेशराइज करके इसको, जो ए ने डी के नाम पर रजिस्ट्री करवाई, गवाही के तौर पर सी के सिग्नेचर करवा लिए, कंप्यूटर से फोटो खिंचवा ली। तो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इस आदमी ने हमारे पर दोबारा केस कर दिया कि ये जो रजिस्ट्री है ये तुमने किसी सीधे आदमी के नाम पे करवा दी, सीधी रजिस्ट्री किसी और आदमी के नाम पे करवा दी, और मेरा पैसा 87 लाख रुपए आपके पास है, आप हमें 87 लाख रुपए दो। तो दोस्तों, ये पुलिस में केस गया, पुलिस में गया, तो हमें पुलिस में बुलाया गया, हम पुलिस में गए। तो पुलिस में जब मैंने ये रजिस्ट्रियाँ दिखाई कि ये जो ए ने रजिस्ट्री डी के नाम पे करवाई है और सी के उसके ऊपर सिग्नेचर है, उसकी फोटो लगी हुई है, तो इसमें फ्रॉड कहाँ है। तो दोस्तों, जब पुलिस वालों को ये समझ आया तो उन्होंने ये केस डिसमिस कर दिया। आपके सीखने वाली बात क्या है, आपके सीखने वाली बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि मैं ये गलती कर लेता कि सी के सिग्नेचर जो राजकुमार था फिलौर का, उसके सिग्नेचर डी की रजिस्ट्री पर ना करवाता, तो हमारे पर दोनों पर FIR हो सकती थी कि हमने पैसे राजकुमार से ले लिए और रजिस्ट्री डी के नाम पर करवा दी। तो इससे आपने बचना है, कल को कोई आप एग्रीमेंट आगे करते हो तो एग्रीमेंट पे करने के बाद यदि कोई अगला आदमी आगे कहीं बेचना चाहता है, उसकी जिम्मेवारी के साथ आप मतलब उससे आप लिखित कर लो कि ये जो रजिस्ट्री है मेरी मर्जी से इसके नाम पे हो रही है, नहीं तो आपके साथ पुलिस केस हो सकता है। और दोस्तों, ये पुलिस में गया, पुलिस में इसका केस डिसमिस हुआ, फिर ये बाद में कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में भी ये डिसमिस हो गया, सिर्फ मेरी एक सतर्कता की वजह से कि मैंने उसको साइन जो है डी की रजिस्ट्री पर बतौर गवाही बतौर विटनेस करवा लिए, इसलिए मैं बच गया। सो दोस्तों, इस तरीके इसका आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, इस तरह की मतलब हमें लिटिगेशन आती है, तो उससे हमने कैसे बच सकते हैं, उन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो हाँ दोस्तों, जो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है वो चप्परचिड़ी गांव की ज़मीन है और मोहाली के बिल्कुल बीच में ज़मीन पड़ती है। इसमें ये ए पार्टी हमारी सेलर था, जो पुलिस में ऑफिसर लगा हुआ था, बहुत सीनियर लेवल का ऑफिसर था, और इसके पिताजी के नाम पे पावर आउट होनी थी ज़मीन की, पावर आउट होनी थी। इसने हमें कंटेक्ट किया कि हम मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, तो हमारे साथ पार्टी थी मेरे पास, हमने पार्टी को ज़मीन दिखाई, ज़मीन पसंद आ गई, और ज़मीन पसंद आने के बाद हमने ये बी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी इसकी। अब जिस दिन हम रजिस्ट्री का कब्जा लेने गए, जमीन का कब्जा लेने गए रजिस्ट्री करवाने के बाद, तो सी वहां आ गया कि ये जमीन तो मैंने ली हुई है। तो हमने कहा ये तो जमीन हमने ली हुई है, वो कहते हैं ये आपके पास क्या सबूत है, हमने कहा ये लो रजिस्ट्री हमारे पास, रजिस्ट्री करवाई हमने, परसों रजिस्ट्री करवाई है इसकी। तो ये कहता है जी मेरे से ये फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट करके चला गया। हमने कहा तुम भी कागज लाओ, वो भी कागज लाया। जब भी हमें पता लगा कि इस आदमी ने, एक पुलिस ऑफिसर ने, एक ही जमीन दो बंदों को बेच दी, एक ही बंदे ने दो बंदों को ज़मीन भेज दी, तो ये लीगली तो ठीक है ही नहीं। तो ये जाके फिर इसमें जो डिस्प्यूट पड़ा, तो हमारी पंचायत हुई, पंचायत में बिठाया गया, पंचायत में इस आदमी ने, पुलिस ऑफिसर ने सॉरी फील किया। सॉरी फील करने के बाद जो इसमें मतलब डिसीजन हुआ, जो मतलब फैसला हुआ, फैसला ये हुआ कि ये बी आदमी है जो
सी अपनी ये ज़मीन वापस करेगा और पैसे वापस लेगा। तो ये हमारे पर जोर दिया गया कि आप सी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दो। हमने कहा भाई हम सी के नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वो कहते क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा भी बिल्कुल, जब हमने जिससे लिए हम उसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते हैं। ये चाहे तो सी के नाम पर करवाए, किसी के नाम पर करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बात ये निपट गई। तो हमने बी के नाम से रजिस्ट्री जो ए के नाम पर करवा दी, ए के नाम पर करवा दी और ए ने सी के नाम पर करवा दी। अब इसमें कोर्ट केस आ गया, जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो जाली साबित होगी कहीं, तो वो कोर्ट केस आ गया। तो कोर्ट केस में ये सारे ही सारे उलझा लिए, लेकिन हम बच गए उसमें। हम क्यों बच गए कि हमने जो जमीन ए से ली थी हमने ए को ही वापस कर दी। इसमें हमारी इंटेंशन क्लियर होगी कि इन आदमियों का कोई दोष नहीं। यदि हम सी को रजिस्ट्री करवा देते तो ए ने फ्रॉड किया, फिर ए ने फिर बी के साथ किया, बी ने फिर सी के साथ हो गया फ्रॉड, तो ये फ्रॉड की चेन बन जाती। तो हम बच गए इसकी वजह से कि हमने जो रजिस्ट्री है ये बी ने सिर्फ ए के नाम पर करवाने की जिद करी। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर तो बहुत सीनियर ऑफिसर था वो, हम मतलब प्रेशराइज करने की भी कोशिश की उसने, पर हम प्रेशराइज नहीं हुए उससे, उसके प्रेशर में नहीं आए। जो हमें ठीक लगा उसी तरीके से हमने उसकी रजिस्ट्री उसके नाम पे करवा दी। दोबारा उसके बाद ये उसने आगे करवाई, जो भी उसने करा हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सिर्फ अपनी एक समझदारी से बच गए कि बी ने रजिस्ट्री ए के नाम पर करवा दी, ए ने बी के नाम पे करवाई थी, बी ने ए के नाम पे करवा दी। तो हमारा फ्रॉड में सम्मिलित होने के, मतलब हमारी शमूलियत होने से हम बच गए फ्रॉड में। नहीं तो ये फ्रॉड में सारे के सारे केस, ये बंदा फिर पुलिस ऑफिसर जो बहुत सीनियर रैंक का पुलिस ऑफिसर था, ये जेल में भी रह के आया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के यदि कोई बात आपके पास आती है, आपने कभी भी प्रेशराइज नहीं होना, कभी भी टेंशन नहीं लेनी। जो हो जाए, कोई गलती हो भी जाती है तो गलती को सुधारना है। ये नहीं कि एक गलती होगी कि गलती गया और कंफ्यूज हो गया और कोई गलती कर लो, और गलती करोगे जितनी गलती करते चले जाओगे आप अपना मेंटल लेवल है, जो मेंटल जो आपका विश्वास है वो आपका खत्म होता चला जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दोस्त के किसी के काम आ सकती है उसके साथ शेयर करके उसको बता सकते हो कि इस तरीके का फ्रॉड है, ऐसे होने से बचे हैं। तो बाकी कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। सो मिलता हूँ बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।